आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पार्थ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हरिद्वार में आने से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर इस वक्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि शिवरात्रि को लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर शिव भक्त अपने अपने क्षेत्रों में बने शिवालयों पर कांवड़ के माध्यम से जल अर्पित करते हैं, जिसके चलते हर वर्ष कांवड़ का मेला आयोजित किया जाता है। वहीं हरिद्वार में शिव भक्तों का आगमन तेजी से हो रहा है, जिसको देखते हुए हरिद्वार के व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि उन्हें एक लंबे अंतराल के बाद व्यापार में अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है। पहले से काफी अच्छा चलेगा, क्योंकि सरकार ने कोविड नियमों में भी काफी ढील दी है और इलेक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इससे निश्चित रूप से हरिद्वार में जो व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति हुई। कोविड की जो तीसरी लहर है वो तो पूरे देश में प्राय समाप्ति की ओर है, और इससे जो है हरिद्वार के बिजनेस में भी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, तो जितने पर्यटक हैं वो निश्चित रूप। वही ग्राम पंचायत बाड़वाला के अंतर्गत शिव मंदिर मेला ग्राउंड पर गोगा जहरवीर मंदिर के भगत के द्वारा चार दीवारी कर नाजायज कब्जा किया जा रहा था, जिसका गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन पुजारी ने गांव वालों की ना सुनकर विधानसभा चुनाव को देखते हुए 13 फरवरी से 14 फरवरी में मौका देखकर अवैध तरीके से मंदिर के बाहर ईंटों की ऊंची दीवार बना डाली। गांव वालों का कहना है कि ग्राम पंचायत की भूमि, जिसमें शिवरात्रि पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है, इस दीवार के बनने से मेला लगना वहां पर लोगों के लिए दिक्कतों का भी सबब बन सकता है, और समस्त ग्रामवासियों ने इसके विरोध में एक मीटिंग भी बुलाई। ग्राम प्रधान बाड़वाला का कहना है कि मंदिर में हुए अवैध कब्जे को हटा लिया जाएगा। ये था 13 और 14 में जो वहाँ का पुजारी है, जो गांव वालों ने ही नियुक्त कर रखा है, उसका नाम करण है, हमारे गाँव का ही रहने वाला है, तो उसने जो है रातों रात और दिन में 20-25 आदमी लेकर के वो दीवार का जो है 9 इंची दीवार का निर्माण उसने जो है करा दिया है, और जो कि पूर्व में गेट ये मंडी समिति द्वारा लगाया गया था, जिसमें कि उन्होंने जो है पुजारी ने गुग्गा पीर का जो है अपना जो है छपवाया हुआ है, पुताई करा रखी है, तो उससे मिला करके उसने एक अपना जो है हदबंदी करके उसका जो है ज़मीन का कब्जा कर लिया है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो नाजायज़ कब्जा हुआ है, ये नाजायज़ कब्जा हमारी प्रशासन से, SDM साहब से हमारी ये मांग हुई है, हमने उनसे सभी गांव वाले आए और हमने उनसे अपनी अर्जी दी है कि समस्त गांव वाले इसमें बिल्कुल एक। वही बाजपुर में कृष्णा हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। मेडिक्रेडिट ग्रुप दिल्ली द्वारा हॉस्पिटल को संचालित किया जा रहा है। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर और जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव शर्मा ने हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर राजीव शर्मा ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में 24/7 इमरजेंसी जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, ICU समेत कई सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। और हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम है, गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास हैं, डॉक्टर शिल्पा MBBS DGU हैं, और ये मुंबई से बट यहीं पर ही शिफ्ट हो गई है 24 आवर्स। डॉक्टर आर शर्मा हैं, MBBS MD इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यहाँ, और डॉक्टर अभिनव बैनर्जी हैं, वो MBBS DNB हैं, क्रिटिकल केयर मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं वो, एंड डॉक्टर सरताज आलम हैं, MBBS MS हैं, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं हमारी टीम में, ठीक है। और बाकी हमारे पास भेल में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए SP क्राइम मनोज कत्याल ने बताया कि मतदान के बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, उनमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ ही पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम को अति संवेदनशील मानते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। 24 घंटे CCTV कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। ये मतदान के पश्चात जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, चुनाव की संवेदनशीलता के दृष्टि से वहाँ पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, उसको समय समय पर अधिकारीगण चेक कर रहे हैं और वहाँ पर पूरी सुरक्षा एहतियात बरती जा रही है। बकायदे CCTV के माध्यम से वहाँ सुरक्षा की जा रही है, ताकि जो भी वहाँ पर चुनाव से संबंधित।
वहीं पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई। कोविड 19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चे और स्ट्रीट चिल्ड्रन की पूर्ण सुरक्षा के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सुविधाएं देने का काम किया जाए, साथ ही बेसहारा बच्चों को संबंधित योजनाओं का भी लाभ दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने समस्त मेडिकल दुकानों के आगे सीसीटीवी कैमरे लगवाने की भी बात कही। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना महमुनी कीरती के पास में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। आपको बता दें कि इस घटना में कार सवार चार व्यक्तियों में से दो की मौत की खबर मिली है। आपको बता दें कि ये पूरा हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना मुनि की रेती के पास में हुआ है, जहां पर कार सवार चार व्यक्तियों में से दो की मौत हो गई है और दो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। दोनों घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना को लेकर जानकारी दी गई कि तपोवन और शिवपुरी चौकी पुलिस व SDRF के जवानों ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया था। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। एक गाड़ी जो बैरिंगांव से नीचे ऋषिकेश की ओर आ रही थी, जिसको विकास नाम का एक व्यक्ति जो व्यवसाय से आपके फोटोग्राफर हैं और उनके एक सहयोगी फोटोग्राफ जो भी हैं, जिनका नाम संजीव सिंह सजवान जी हैं, और उसमें जो दो आदमी ने और लिफ्ट ली, एक कुमारी रीना ने और एक आपके राम दयाल पुत्र श्री बुद्धिदास जी ने लिफ्ट ली थी। तो भगवान की क्या पता ऐसी इच्छा रही होगी, जैसे ही ये आपके ऋषिकेश के पास ब्रह्मपुरी के पास आए तो इसमें गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक होना बताया जा रहा और ब्रेक न लगने के कारण गाड़ी सीधी जो ढंगार में गिर गई, जहाँ पे लगभग वो गहरी खाई में 200 मीटर लगभग नीचे जा चली गई, जिसमें दो आदमी एट स्पॉट ही खत्म हो चुके थे, जिसमें संजीव सिंह और बुद्धि राम दयाल जी जो वहीं पर ख़त्म हो गई, और दो आदमी जो विकास और एक रीना है जिनकी। वहीं टनकपुर से वापस जा रही बारातियों से भरी गाड़ी रीठा साहब थाना क्षेत्र के बुड़म के नजदीक 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वाहन चालक के अनुसार कुल 14 लोग वाहन में सवार थे, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए सभी शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। ये 10 से 3 बजे के बीच किसी भी समय बता सकते हैं, एग्जैक्ट समय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो हमें सूचना मिली है वो 3 बजे प्राप्त हुई है और कुछ लोगों का कहना यह है कि घटना 10 बजे के आसपास हुई है, कुछ लोगों का कहना यह है कि घटना 12 बजे के आसपास हुई है। इसमें 16 लोग सवार थे, दो लोग घायल हैं, उनको अस्पताल भिजवाया जा चुका है, बाकी 14 लोगों में से 12 बॉडियाँ रिकवर की जा चुकी हैं, 2 बॉडी अभी नीचे हैं, उनका रेस्क्यू अभी चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें एक जो शादी के बाद गाड़ी आ रही थी, बारात की गाड़ी जो वापस आ रही थी टनकपुर से ईठा की तरफ आ रही थी, तो SDM रोड में यहाँ पर लगभग 200 से 250 मीटर की गहरी खाई में गिर गई है, जिसमें बताया जाता है कि 16 व्यक्ति सवार थे, जिसमें 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हमने 13 डेड बॉडी निकाल दी है, एक अभी रिकवर करना शेष है, 2 जो घायल हुए थे उनको हमने हॉस्पिटल में भिजवा दिया, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं रुड़की में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी भाई को झबरेड़ा पुलिस ने चाकू समेत गिरफ्तार कर लिया है। SP देहात परमिंदर सिंह डोभाल ने बताया कि 20 फरवरी को झबरेड़ा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या की गई और छोटे भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। भाई के द्वारा छोटे भाई की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से ये लगातार फरार चल रहा था, पुलिस के द्वारा इसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि अपने पुत्र को जो अपने चाचा के साथ बाहर गया था और लेट आने पर उनका झगड़ा हुआ और झगड़ा मारपीट पर बदल गया, मारपीट के बाद हुई इसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो पुलिस ने जो भी इसकी विधि सम्मत करवाई है, पुलिस उसमें कर रही है और सभी पहलुओं की जांच की। क्या कोई किसी तरह के रंजिश भी थी? रंजिश का कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि लोग साथ ही रहते थे, एक ही परिवार में रहते थे, ऐसे कोई रंजिश नहीं। वहीं थल में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की ओर से कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को करियर काउंसलिंग के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बैंक, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सेना से आए अधिकारियों से छात्राओं को कैरियर से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई। थाना अध्यक्ष हीरा सिंह डांगी ने बताया कि पुलिस विभाग में भी कई जानकारियां दी गई है और इसी बीच चिकित्सा विभाग में करियर बनाने के विषय में भी छात्रों को जानकारी दी गई।
मध्य शिक्षा के द्वारा दिया गया था, जिसमें बच्ची छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग, वो भविष्य में क्या बनना चाहती हैं इसके विषय में जानकारी देनी थी, जिसके लिए हमने एक ड्रॉप बॉक्स बनाया। उसमें छात्राएं क्या बनना चाहती हैं उनकी इच्छाएं डाली, और उसके बाद उनको छांटने के बाद हमने पाया कि बच्चों ने अलग अलग क्षेत्र में अपना जाने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए हमने आज उन विषयों के विशेषज्ञों को बुलवाया। वही कर्नाटक में हिजाब का विरोध करने के कारण समुदाय विशेष की तरफ से बजरंग दल कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रुड़की में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता विभाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एकत्रित हुए। एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान विभाग मंत्री शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की तरफ से असंवैधानिक तरीके से शिक्षण संस्थानों में हिजाब का विरोध किया गया था, जहां पर मॉब लिंचिंग कर चाकू से गोद कर उसकी अब हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में हिंदू समाज के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। ये कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की जो निर्मम हत्या हुई है इस्लामिक जिहादियों द्वारा, उसी विषय में हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आज SDM ऑफिस पहुंचे। बजरंग दल की मांग है कि दोषियों को फांसी और हर्ष के परिवार को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। हैं उन्होंने जघन्य हत्या की, और मात्र उसका अपराध इतना था कि एक जो अभी राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा हुआ है हिजाब का, सिर्फ उसने कहा था कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और इतने भर कहने से और फेसबुक पोस्ट डालने पर उसकी जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। इसकी बजरंग दल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर निंदा करता है, और जगह जगह धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इसी निमित्त हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, और सामूहिक रूप से आज एक महामहिम अपने राष्ट्रपति जी को SDM महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रेषित करेंगे। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां पर महावीर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों ने कंपनी पर आरोप लगाया कि कंपनी उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रही है, और कहा गया कि समय पर सैलरी की मांग करने पर कंपनी मनमाने तरीके से श्रमिकों को निकालने की भी धमकी देती है। सर, हमारा इस फैक्ट्री में शोषण होता है। ये फैक्ट्री महावीर ट्रांसमिशन लिमिटेड विकास नगर देहरादून लाइन जीवनगढ़ में है। यहाँ पे हमें अधिक से अधिक शोषण किया जाता है, जैसे कि हमें सेफ्टी नहीं मिलती है। सेफ्टी के लिए एग्री हुए थे देने के लिए, तो क्या बोलते हैं कि एक जूता दो आदमी पहनेगा, उसमें भी 350 रुपये आपका कटेगा तब आपको मिलेगा। सर, ये 11-12 साल हो गया फैक्ट्री को, आज तक नहीं दिए। काम हमारा तार का है, इतना खतरे का काम है, आप खुद ही देख सकते हैं फैक्ट्री के अंदर। और ये डाले का पैसा हमारा ठेकेदार खा जाता है, जो कि आज तक का इसका बनता है 80 लाख रुपए। वो पैसे या तो फैक्ट्री मिलकर खाई है या ठेकेदार अकेला खाया है। हम उस हक के लिए आज बोले हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो हम दूसरी लेबर ले आएंगे। हमारी कुछ डिमांड है, यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। किसके द्वारा? ठेकेदार के द्वारा और कंपनी दोनों के द्वारा हो रहा है। सर, कौन सी कंपनी है ये? महावीर ट्रांसमिशन लिमिटेड गत्ता फैक्ट्री लाइन जीवनगढ़ विकास नगर। क्या दिक्कत है आपको, क्यों निकाला है? सर, हमारी कुछ डिमांड है। क्या है? बोलना। सेफ्टी और डाले का पैसा मुंशी हनन किया है, हमारे 80 लाख रुपए हनन करके बैठ गया है। इसे दिक्कत हो रही है, हमारे जो अधिकार हनन करे गए हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।